सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने किया वड्डा ऐलान, गोल्डी ब्राड नू फड़ाउण वाले नू 2 करोड़ रुपए। जिक्रयोग है कि अमृतसर विखे एक समागम विच पहुंचे सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने सूबा सरकार से निशाना साध्या अते कहा कि पंजाब की जवानी नू आखिर सरकार क्यों मरवाउण ते तुली हुई है। उन्हां सवाल किया कि गैंगस्टरां खिलाफ कार्रवाई लई ढिल क्यों वरती जा रही है। बलकौर सिद्धू ने इस मौके सरकार नू वंगारदे होए कहा कि गैंगस्टर गोल्डी ब्राड वर्गे पापी गैंगस्टरां नू फड़ाउण वाले नू सरकार 2 करोड़ रुपए के इनाम की राशि देण दा ऐलान करे अते जेकर सरकार कोल इन्ना पैसा नहीं है तो वह अपनी जमीन वेच के 2 करोड़ रुपए देण नू तैयार हैं। प्रताप बाजवा का वड्डा बयान, कहा प्रचार से करोड़ों रुपए खर्च करने वाली आप सरकार अपने खर्चे ते देवे सबसिडी वाली कणक। कांग्रेस के सीनियर आगू और पंजाब के विरोधी धिर के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार तो मोदी सरकार वालों सूबे में कुल कणक की वंड से कटौती करने के फैसले तो बाद पंजाब के सारे लाभपात्रियों सबसिडी वाली कणक मुहैया करवाने की मांग की है। बाजवा ने कहा कि पंजाब के लाभपात्रियों सबसिडी से कणक का आटा मुहैया करवाना आम आदमी पार्टी का मुख चोण वादा है, क्योंकि केंद्र ने नैशनल फूड सेफ्टी एक्ट के तहत पंजाब के लगभग 16 लाख लाभपात्रियों प्रभावित करने वाली कटौती लाई है। इसलिए आप सरकार को उदारता का प्रगटावा करना चाहिए है और अपने खर्चे की वरतों करते हुए उन्होंने सबसिडी वाली कणक देना शुरू करना चाहिए है। गुजरात चोणों तो बाद भगवंत मान DGP अहुदे लई गौरव यादव ते लै सकते हैं वड्डा फैसला। दस दिए कि सूत्रों मुताबक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सूबे विच पुलिस मुखी के अहुदे ते मौजूद कार्यकारी DGP गौरव यादव नू ही बरकरार रखण दे पक्ष विच हन। इत्थे दसना बनता है कि गौरव यादव की नियुक्ति मुख्यमंत्री मान वल्लों 5 जुलाई 2022 नू कीती गई सी। उन्हां नू VK भावरां की थां ते नियुक्त किया गया सी। अमृतसर च पुलिस ते गैंगस्टरां विचाले फायरिंग, नाके ते रोकण ते गैंगस्टर ने चलाईयां गोलियां। अमृतसर तो पुलिस ते गैंगस्टरां विचाले फायरिंग होण दी वड्डी खबर मिली है। पुलिस ने नाके ते रोकिया तां गैंगस्टर वल्लों गोलियां चला दित्तियां गईयां। पुलिस वल्लों कीती गई क्रॉस फायरिंग दौरान 2 लोगों नूं गिरफ्तार किया गया। क्रॉस फायरिंग के दौरान एक मुलजम एक घर विच जाके लुक गया। इस दे बाद पुलिस ने सर्च चला के दोवें मुलजमां नूं गिरफ्तार कर लिया। अपने देश की टीम के विश्व कप तो बाहर होने ते ईरानी मुंडे ने मनाया जशन, फौज ने मारी सिर च गोली। गौरतलब है कि ईरान के लोगों ने फीफा च अपनी ही टीम की हार का जशन मनाया, पर अजिहा करना एक नौजवान लिए जानलेवा साबित होया। ईरानी सुरक्षा बलों ने अमरीका की जित से ईरान की हार का जशन मना रहे एक नौजवान नूं गोली मार दी। इत्थे दसना बनता है कि ईरान च हिजाब विवाद च पुलिस हिरासत में 22 साल महिसा अमीनी की मौत तो बाद पूरे देश में हंगामा मच गया सी। 2 महीनों तो वध दे समय तो वड्डी गिणती विच ईरानी लोग सरकार के विरुद्ध खुल के प्रदर्शन कर रहे ने। इन्हां प्रदर्शनों विच वड्डी गिणती विच लोगों की मौत भी हुई। अजिहे च जदों ईरान नूं फीफा विश्व कप च अमरीका ने हराया तो देश के लोगों ने वख-वख प्रतिक्रियावां दित्तियां। तो इसे दे दौरान 27 साल मेहरान समक ने भी जश्न मना शुरू कर दिता। उसने अपनी कार का हारन उची उची बजाया। समक नू जश्न दौरान सुरक्षा बलों ने गोली मार दी। अज दी खबरों के इन्ना ही, होर जानकारी देखते रहो प्लस TV HD। धन्यवाद।